मेरी माटी मेरी आन है तू। अजीत अजीत तो है ना सर, ये दोनों तो मर चुके हैं साहब जी। दो नहीं, तीन थे। एक बार गुजर चुका। और तुम लोग क्या कर क्या रहे हो? मैंने तुम लोगों को प्लेटफॉर्म से वापस जाने को कहा था। माफ कर दीजिएगा सर, लेकिन आपकी तनख्वाह भेजने के लिए हमारा दिल नहीं मान रहा था। आपकी हुकूम अदूली करना हमारा मकसद नहीं था। लेकिन साहब ये लोग थे कौन? पता नहीं। अगले स्टेशन पर रेलवे गार्ड को कहकर इनका पंचनामा कराओ। आम उचक्के नहीं थे ये लोग। जो हुक्म जनाब। लानत, मैं पहले ही समझ गया था जब रात को मैंने हवेली आते हुए थाने में कोई हलचल नहीं देखी थी। नीरल, नीरल तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। चूड़ियां पहन कर गए थे तेरे सुरमा? पता नहीं बाबा साहब, इस काम पर बंदे तो बड़े पक्के लगाए थे। खाक पक्के लगाए थे, एक बंदा तो काबू नहीं कर सके। सारी जेंद सारी बहार सरकार, मुझे लगता है ये एएसपी जो है ना वो कल्ला सफर नहीं कर रहा था। लाजमी उसकी मदद के लिए ना वहां मौके पे लोग मौजूद थे। पहाड़ में गए जो भी थे, ये बताओ सिकंदराबाद से क्या इतला दी है मुंशी ने? सरकार ये हमला सिकंदराबाद में तो हुआ है। रातों रात दो लाशें जो है ना वो थाने पहुंचा दी थी पंचनामे के लिए। एक बंदा गायब है, तीसरा उसका पता नहीं चल रहा। तू फिक्र नहीं कर धनी बख्श, तीसरे को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, बस एक बार पता लग जाए। ये पुलिस वाला हमारी तवक्कोआत से कहीं बढ़ के निकला। मैं पहले ही कहता था इस लड़के को हल्का ना लो। ये वार उसे मजीद होशियार कर देगा। वो इस वारदात का खुरा जरूर निकालेगा। भाई जब से आया उसका सर खा गई हो, उसे सुकून से खाना तो खाने दो। अरे तुम्हें सच्ची बात बताऊं, पिछले 24 घंटों से ये तीनों माँ बेटियां जो है ना ये बच्चे खाने की जीनत बनी हुई है। पता नहीं कौन कौन से तुम्हारे पसंद के पकवान बना रही हैं, और अभी तो ये इब्तिदा है। अच्छा, वैसे अम्मी
कुछ चीजें सिद्रा के ससुराल वालों के लिए भी रख लेनी थी, उनको भी पता लगे कि हमारी बहन कितनी सुगड़ है। जी नहीं, ये सब मैंने आपके लिए बनाया और कोई दूसरा इसको हाथ भी नहीं लगा सकता, बल्कि मैं आपके लिए एक और चीज लेकर आती हूँ। सुनो तो बैठो, खाओ तुम, बैठो। ये तो कोई बात ना मनी साहब, ये तो नामालूम अफराद निकले। और ऐसे नामालूम अफराद की अपनी कोई शनाख्त नहीं होती, ये तो बस किराए के गुंडों के तौर पर काम करते हैं। एक बात समझ नहीं आई साहब, ये किराए के गुंडों की हमारे साहब से क्या दुश्मनी हो सकती है? इनके तो शनाख्ती कार्ड भी असल नहीं है, सिरा ही मालूम नहीं है साहब। इन किराए के गोरिलों की अपनी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, ये तो बस दूसरों की दुश्मनियाँ निभाते हैं पैसे लेकर। ये तीनों भी किसी और की दुश्मनी निभाने आए थे यहाँ, यानी उजरती कातिल थे। और इनके तीसरे साथी का तो कोई आता पता ही नहीं है। उसी तीसरे साथी का तो हमें पता लगाना है, तुम बस दुआ करो कि वो अब तक जिंदा हो। तुम एक काम करो, एएसपी साहब को खामोशी से पैगाम पहुंचा दो कि उन हमलावरों की शनाख्त नहीं हो सकी, ना ही वो हमारे इलाके के। लेकिन ध्यान से, साहब का हुक्म है कि ये बात उनके घर वालों के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि इलाके के हालात खराब है। ठीक हो गया साहब। क्या बात है थानेदार जी, आज थाने नहीं जाना क्या? दिन चढ़ाया है। चला जाऊंगा, तुझे कौन सी फिक्र खा रही है, गाड़ी आने दे थाने की। गाड़ी? गाड़ी क्यों आने लगी भला आज तुझे लेने? तेरी कौन सी तरक्की हो गई? ओ जाहिल औरत, जोग सियाल थाने का थानेदार हूं, अफसरों को गाड़ियां ही लेने आती हैं। मुझे आए तो काफी दिन हो गए यहाँ, पहले तो कभी ना आई गाड़ी तुझे लेने। तेरे आने से पहले भी गड्डी ही आती थी, जब से नया अफसर आया ना, जान बबाल कर दिया, सब ऊपर नीचे कर दिया इसने। खुद भी सारा दिन फटपड़ी पे घूमता फिरता है, अफसरों की तो इज्जत ही नहीं रही जैसे। अच्छा तो यूं कहो ना, चार दिन की चांदनी है, जैसे वो अफसर छुट्टी से वापस आएगा तो सारे ठाठ बाट खत्म। शाने कह गए, बंदे का मुंह चंगा नहीं हो ना, बात चंगी करनी चाहिए। आ गई गड्डी। अब्बा मैं भी गाड़ी में जाऊंगा, अब्बा मैं भी गाड़ी में चक्कर खाऊंगा, फिर मैं भी पुलिस वाला बनूंगा। हाँ चला जाएं, लेकिन बात सुन, सारे रास्ते कोई सवाल ना करी, तेरी माँ बहुत बोलती है सवाल करता है। ड्राइवर के साथ वापस आ जाएगा ये। अब मैं भी गाड़ी में जाऊंगा, फिर मैं भी। आ जा बस, आ जा आ जा। सलाम अब्बा। अस्सलाम ससी, ये आज स्कूल नहीं गई हो, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ अब्बा, बस मन नहीं कर रहा था, फिर स्कूल में मुरम्मत और रंग और रोगन का भी काम शुरू होने वाला है ना, सब कुछ बिखरा पड़ा होगा। हाँ बताया था ना मुझे चौकीदार ने। चलो खुदा खुदा करके झोंक सयाल के सरकारी स्कूल की भी किस्मत जागी, ये सब बड़े साहब की कोशिशों का नतीजा है। हाँ ये सब साईं की मेहरबानी है, उनकी बरकत से हो रहा है ये सब। अब्बा कुछ लोग अपने साथ कितने लोगों का मुकद्दर जोड़ कर लाते हैं ना। ठीक कहा तुमने, ऐसे लोग मुकद्दर वाले होते हैं
उन पर अल्लाह का खास कर्म होता है। अल्लाह ताला अरसलान साहब को लंबी उम्र दे। आमीन सुम आमीन। मैं पानी लेकर आती हूं। हाँ मैडम, हाँ शाबाश। हाँ सारी नफरी कितना गई है? चार दिन मेरे सर पे एक नया अफसर आया, तुम सब ने आंखें फेर ली हैं। अब मैं देखता हूँ कि जहां दाद का हुक्म कैसे टालते हो तुम लोग। गालसन और रामखोर शरीफों को आख, सारी नफरी 5 मिनट में लाइन हाजिर चाहिए मुझे। सियाने कहते हैं कि गुस्से में इंसान कभी कभी ऐसे फैसले कर बैठता है जो आगे चल के ना खुद उसी को नुकसान पहुंचाते हैं। बंद कर अपने मशवरे धनी बख्श, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। सही सही सही, क्या हो गया जो इस बार वो पुलिस वाला बच गया? उससे बदला लेने के और बहुत सारे मौके मिलेंगे। अभी आप उस बड़े फायदे का सोचें जो उसके छुट्टी पे जाने से हमें हो सकता है। बड़ा फायदा, ओके ओके। सही, इसके जाने के बाद जो है ना, थाने का करता धरता फिर से वो आपका ताबेदार और वफादार जहांदाद होगा है? तो मुख्तारे के बारे में फैसला करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता हमारे पास। भाई वाह, क्या बात है धड़ी बख्श, क्या दूर की कौड़ी लाया है। मेरा ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया? इसलिए तो कह रहा हूं कि ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। तू एक काम कर सर, जानदाद को बोल मुख्तारे का पक्का बंदोबस्त करना है। हाँ। उसे आज रात ही फरार करवाना है। मैं अपने बंदों से बात करके उसे सरहद पार करवा देता हूँ। पर सही एक बात है, अगर थानेदार कैदी को खुद हवालात से बाहर निकालेगा वो तो मुअत्तल हो जाएगा ना। होने दे, मीरल के लिए इतनी कुर्बानी तो दे ही सकता है। और उसको एक और बात कह दी, ये वफादारी साबित करने का आखिरी मौका है। जब वो इस काम में नाकाम हुआ तो उसको सजा मैं दूंगा। ओए, कहाँ रह गया था? तुझे शरीफे को बुलाने भेजा था। पैगाम दे आया हूँ जनाब, आ रहा है। उसके घर वाले को बड़ा सख्त बुखार है। हाँ, सबके बुखार उतर जाने हैं, समझ आई है ना? और वो तुम्हारे सब इंस्पेक्टर असगर साहब नजर नहीं आ रहे। वो जी असगर साहब तो 3 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर गए हैं एसपी साहब से। काम चोरी की भी हद होती है। चल जा ड्यूटी कर,
कोटरी की चाबी दे, मैं भी तो देखूं जरा। सुना है बड़े बड़े सुर में बंद कर रखे हैं तुम लोगों ने, दे इधर चमचे। ओए दरा दरा जी साहब, मुख्तारा कहाँ है? वो जी मुख्तियारा तो नहीं है, वो ये बाबा जुए की हड्डी चलाता है, वो चरसी है, कल रात इनको सूटा लगाते हुए पकड़ा है। वो छोड़ इन्हें, मुख्तियारा किधर है? वो जी मुख्तियारे को तो एएसबी साहब जाने से पहले थाना शोरकोट मुंतकिल करके गए थे, और रमजान साहब खुद लेने आए थे कैदी को। वो मेरा कैदी जान को दे दिया जी, वो रोका क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं खबर दी? वो जी बड़े साहब का हुक्म था, वैसे भी आप तो दो दिन से चौकियों का मुआयना करने गए हुए थे ना। वो मुआयने पे गया हुआ था, मर तो नहीं गया था ना मैं? सलाम सर। छोड़ सलाम, वो किधर रह गया था तू? वो अपना कैदी शोरकोट वाले रमजान को दे दिया, वो अगर उधर कुछ हो गया तो? आप यहाँ नहीं थे जनाब, और अगर यहाँ होते भी तो एएसपी साहब का हुक्म को टाल सकता है? यार मुझे ये पता, ये अचानक क्या सूझ गई है एएसपी साहब को? उसके थाने में अगर कुछ हो गया उसे कौन जिम्मेदार होगा? शायद यही बात एएसपी साहब के ज़हन में भी हो। सबकी पेटियां उतर जानी है, जहां दाद ना उन्हें है, जानते हो ना, देख लूंगा मैं सबको। अरसलान जी अब्बा। अरे क्या बात है, जब से तुम लौटे हो मैं देख रहा हूँ कि हर वक्त किसी गहरी सोच में डूबे रहते हो, सब खैरियत तो है? खैरियत है पा, आपको तो पता है पुलिस की नौकरी में कितने खर्चात और कितनी परेशानियाँ होती हैं। अपना इलाका किसी के हवाले करके आया हूँ, बस वही ध्यान लगा रहता। मैं समझ सकता हूँ बेटा, एक सच्चे पुलिस वाले का ध्यान अपने फर्ज की अदायगी की तरफ ही लगा रहता है, और फिर भी लोग कहते हैं कि पुलिस वालों के सीने में दिल नहीं होता। अरे मैं कहता हूं कि पुलिस वालों के सीने में एक नहीं कई दिल होते हैं, एक अपने खानदान वालों के लिए, एक अपनी फर्ज की अदायगी के लिए, और तीसरा हर पल हर वक्त अपने फर्ज पर सब कुछ कुर्बान देने के लिए तैयार रहता है। सही। अरे बेटा असल बात जो मैं तुमसे करने आया था मैं भूल ही गया, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहनें जो हैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हैं। तुम्हें लड़का कैसा लगा? आतिफ अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ लगता है, फैमिली बहुत अच्छी है उनकी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो बहुत डिसेंट और एजुकेटेड फैमिली लगी है, कोई वजह है नहीं इनकार की अपन। तो फिर तुम क्या कहते हो? अरे वो तो कल ही आकर मंगनी की अंगूठी पहनाने के लिए तैयार बैठे हैं, और फिर लड़के ने सऊदीया भी तो जाना है। सिद्रा से पूछ ले पर, अगर उसे कोई इतराज नहीं है तो बिस्मिल्लाह करते हैं, जुमे रात को निकाह पढ़ाते हैं, जुमे को वैसे भी मैंने वापस चले जाना, लेकिन रुखसती उसकी फाइनल एग्जाम्स के बाद होगी, मैंने कहा था आपको। उस वक्त तक वो आतिफ पेपर शेपर बनवा लेगा, साथ ले जाने के लिए इकट्ठे दोनों बाहर जाएंगे, अगर सिद्रा राजी है तो। सच बताऊं तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी है, तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि तुम्हारे वापस जाने से पहले सिद्रा का निकाह हो जाए। आगे पता नहीं तुम्हें कब छुट्टी मिले, कब तुम आ पाओ। चलो मैं उन्हें पैगाम भिजवा देता हूँ, अपनी अम्मी और बहनों को तुम खुद बता दो। हाँ ठीक है, चल चल।
शोर कोर्ट क्यों भेज दिया? मीरल साईं कुछ करता क्यों नहीं? पता नहीं मुख्तार, पर मुझे तेरी जान यहां खतरे में दिखाई दे रही है यार। तूने बड़ा होशियार रहना है बस। कौन मारेगा मुझे? ये पुलिस? नहीं, ये तो तेरी हिफाजत के लिए है यार। असल खतरा तुझे उन मालिक वडेरों से, वो तेरी जुबान खुलने से पहले ये जुबान बंद ना कर दे हमेशा के लिए। मेरे मालिक ऐसा नहीं करेंगे। मैंने हजार बार अपनी जान उनके लिए खतरे में डाली, खून बहाया है उनके लिए, अपनी जिंदगी लुटाई है इन वडेरों के पीछे। काश यहां वफा की इतनी कदर होती जितनी तुझ जैसे नादान समझते हैं मुख्तार। उस रोज वो थानेदार जहांदार न जाने क्या पटियां पड़ रहा था मीरल साईं के कान में। हमें तो मीरल साईं ने डेरे से बाहर निकाल दिया। जरूर उसके जहन में कुछ और भी चल रहा होगा। मेरा दिल नहीं मानता। कोई अपने दिल को समझा नहीं बाद में फुर्सत। उस पुलिस वाले ने तुझे शोरकोट थाने इसलिए मुंतकिल किया है ताकि वो तेरी जुबान खुलवा सके, और ये खतरा तो अब मालकों के जहन में भी होगा। मैंने बड़ी मेहनत की है रमजान थानेदार की, तब जाके मुझे उसने तुझसे मिलने की इजाजत दी, और वो भी थोड़ी सी देर के लिए। ओए, चलो आओ, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। चलो शाबाश। अपना ख्याल रखे मुख्तारे, चलता हूं। ओके अब्बा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अरे बेटा, कहाँ चले तुम सुबह ही सुबह? अब छुट्टियों में भी तुम हजार काम लेकर आयो, तो मेरा जी भी नहीं भरा, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। अरे ना रोको इसे नेकबख्त, तुम्हारा बेटा बड़ा अफसर लग गया महकमे में, और हजारों झंझट होते हैं नौकरी पेशा इंसान के। अम्मा, आईजी ऑफिस जा रहा हूँ, आईजी साहब ने बुलाया था, जल्दी लौटाऊंगा, फिक्र मत कर। हाँ बेटा, बस जल्दी वापस आ जाना, तुम्हारी बहनें भी तुम्हारे इंतजार में बैठी हैं कि भाई कब शॉपिंग कराएगा। उन्हें ले जाऊंगा, उन्हें कहीं बस तैयार रहिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। वो आज भी स्कूल नहीं आई साईं, मैं खुद देख कर आया हूँ, वहां तो मुरम्मत और रंग का काम चल रहा है। मैं भी देखता हूँ, मुझसे कब तक छुपी बैठी रहती है। लगता है आशिक पूरी पट्टी पड़ा कर गया है अपनी महबूबा को छुट्टी पर, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता इंतजार की आग शोले भड़काती है। भड़कने में मीरल को बहुत मजा आता है। आओ आओ अरसलान, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। मीर जुनेद, शायद तुम पहले भी मुलाकात कर चुके हो, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था और ये चाहता है कि तुम उसके पर्सनल स्क्वाड के सिक्योरिटी इंचार्ज बन जाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर कंसिडरिंग मी, बट सर एक्चुअली मुझे अपने इलाके में काफ़ी काम है जो अभी ख़त्म करने हैं। लिसन, I know you are a very committed officer. We both respect that a lot. इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ, जैसे ही मैं पावर में आया और अपने डैड की कुर्सी संभाल ली, मैं तुम्हें किसी स्पेशल टास्क पे भेजूँगा इंशाल्लाह। मगर आज रात आप अरसलान को किसी भी हाल में मेरी पार्टी में लेकर आ रहे हैं, और इस बारे में मैं कोई और एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। I'm actually very obliged, लेकिन
मैं वाकई बिजी हूँ। देख लें सर, अब ये आपकी जिम्मेदारी, अब ये टास्क मैं आपके सपोर्ट करता हूँ। अरे जुनेद साहब, आप फिक्र ना करें, आज रात आपकी पार्टी में ये जरूर आएंगे। अरसलान, दिस इज माय ऑर्डर। सर। सरकार, इसका तो ये मतलब हुआ कि एएसपी ने पहले से ही मुख्तारे को पार कर दिया था। वाकई ये तो हमारी सोच से भी बहुत आगे सोचता है। लाजमी इसने ना मुख्तारे से कोई आस भी लगा के रखी हो। इस रोज रोज के चूहे बिल्ली के खेल से मैं तंग आ गया हूं बाबा सिंह। मैं तो कहता हूं एक ही दफा शोरकोट थाने पर हमला करके मुख्तारे को निकाल ले जाते हैं, या फिर उन पुलिस वालों के साथ उसे भी खत्म करवा देते हैं। हजार बार कहा है कि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दुश्मन अगर अकल वाला हो तो खेल खेलने का ज्यादा मजा आता है। यह एएसपी हर चाल बड़ी सोच समझ कर चला है और हर बात हमें मारती है, मगर अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी शह मात बाकी है। तो क्या उस वक्त तक हम मात पे मात खाते रहें? पता है इलाके में क्या बातें हो रही हैं कि बड़ी हवेली वालों को जंग लग गया है, या उनकी बंदूकों को दीमक चाट गई है। तभी वो टुच्चा पुलिस वाला हमारे सामने खड़े होने की जुरत कर रहा है। लंबी छलांग लगानी हो तो चार कदम पीछे हटना पड़ता है। जब तक इलाके में इलेक्शन ना हो जाए, मैं कोई हंगामा बर्पा नहीं करना चाहता। और बात जोक से हल्की नहीं है, इलाके में 14 अध्याय शामिल है, और तुम भूल रहे हो शायद। शोरकोट अगर अलग तहसील बन गया तो क्या हुआ? लोग तो वही पुराने हैं ना। समझ गया, बहुत अच्छी तरह समझ गया सरकार। तभी तो कहता हूं सादी जिंद सादी बहार। सरकार या दूर की कौड़ी निकाल कर लाया। वाह 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 वाह, मतलब वाह। You guys have a good time. I'm gonna come back. Take it. Excuse us. Come.
Officer, I'm glad you made it. Look now, you remember Officer Arsalan from Joksial? Yaad hai? हाँ मुझे याद है. Nice to see you, Arsalan. Same here. My wife Lubna. By the way, मैंने अपना वादा पूरा किया. हाँ. Well, help yourself out. Sure. Thank you. Thank you. Ah, Mr. Durrani. जा रहे हो इतनी जल्दी? जल्दी मुझे तो लगता है बहुत देर हो चुकी. हाँ कभी कभी बहुत देर हो जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता. शायद कुछ लोग फैसला करने में बहुत जल्दी करते हैं. शायद कामयाब होने के लिए वक्त पर फैसला करने की सलाहियत होना जरूरी होती. कौन जाने कौन कामयाब है और कौन नाकाम. कौन नाकाम हो गया मुझे भी बताए. कोई मुझे भी बता दे कि कौन कामयाब हो गया और एक कौन नामुराद है जो आज नाकाम हो गया. नहीं वो तो हम CSS के एग्जाम की बात कर रहे थे नाकाम और कामयाब होने वालों. CSS के एग्जाम्स ना मुझे क्यों लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं. वो अरसलान और मैं और लुबना यूनिवर्सिटी में बैठे. सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद मैं इनके घर रिश्ता लेकर गया. रिजेक्ट हो गया. लास्ट डिफरेंस. लास्ट डिफरेंस. लेकिन लुबना आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि आप इनको जानती हैं. मैं बताना चाहती हूँ. लुबना का माजी था और माजी भी क्या बचपना कही है. लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि लुबना का हाल बहुत अच्छा है और उसने अपने लिए एक इंतहाई समझदार और अच्छे इंसान का इंतखाब किया. वो तो है लेकिन ऑफिसर साहब थोड़ा रिग्रेट तो होता होगा. नहीं होता तो होगा. प्यारी तो है बेशक. मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ और मेरी आप लोगों के लिए भी यही दुआ है कि इकट्ठे रहिए खुश रहिए. बहुत प्यारे लगते हैं आप लोगों साथ. खुदा हाफिज़. I mean, seriously?